तो ले भाई लोग, कैसे आप लोग? ठीक ना सभी लोग, आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। तो भाई लोग, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हमारी आज फर्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि अनग्रेजुएट गेमर के बारे में। तो भाई लोग, मैंने आप लोग अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आज भाई का जो बीटी सर्वर वाला आईडी था वो लाइव में ही विदाउट रीजन बैन हो गया था। तो भाई लोग, इसी चीज को लेकर भाई ने अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें भाई ने इस चीज के कुछ पॉसिबल रीजन बताए कि आखिर क्यों भाई की आईडी बैन हुई। तो भाई लोग, इससे रिलेटेड भाई ने क्या कुछ कहा, आप लोग क्लिप को देख लीजिए। वो आईडी सस्पेंड कर दी गई लाइव पर। एंड देखो, इसका रीजन छोड़ो, तुम लोगों को पता है मैं हैकर तो हूं नहीं भाई, और हैकरों से मेरे को सख्त नफरत है। लाइक कोई हैकर सामने आया तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिक गाली निकलने लगती है, जबकि मैं गाली देता नहीं हूँ, ठीक है, घरिया देता हूँ। तो इसका रीजन हो सकता है गाइस ये कि पहला तो घरेना वालों को लगा कि भाई ये प्लेयर कुछ अलग है भाई, AWM से क्लच कर रहा 1v4, 25-25 किल, 30 की KD, अल्ट्रा प्रो मैक्स लीजेंड प्लेयर है ये, तो वो पहचान नहीं पाए भाई हैकर तो नहीं है। एक रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है गाइस कि मैं इम्यूलेटर पे खेल रहा हूँ और मैं BD सर्वर में खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक इंडियन प्लेयर हूँ। और आप टेक्निकली देखो, जो गरेना की वेबसाइट है वहाँ पे अलाउ नहीं है इम्यूलेटर पे खेलना। लेकिन देखो यार, मेरा क्या रीजन है इम्यूलेटर पे खेलने का, वो ये है कि मेरी 2-3 घंटे की स्ट्रीम नहीं रहती, मेरी स्ट्रीम रहती है गाइस 10 घंटे की, 15 घंटे की, रैंक उस वाले टाइम 24 आवर्स भी लाइव कर देता हूँ। तो मेरे लिए गाइस PC पे लाइव करना बहुत ईजी हो जाता है, और फोन में इतना लंबा स्ट्रीम करना नियर टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। और दूसरा रीजन गाइस ये है कि इंडिया सर्वर में फुल मैप बैंड होता है गाइस PC वालों का, मतलब कुछ गिने चुने लोगों का खुला हुआ है और लोगों का गेम नहीं लगता है। तो प्रथा चली आ रही है सालों से कि इंडियन प्लेयर BD सर्वर में जाके खेलते हैं, और मैं भी पिछले एक साल से यही कर रहा हूँ। पिछले एक साल से मैं इसीलिए बोला क्योंकि गाइस मैं दूसरा रीजन बता देता हूँ कि इम्यूलेटर में मैं क्यों खेल रहा हूँ। मैं 6 साल ऑफिशियली ई-स्पोर्ट एथलीट रहा, मैं फोन पे खेला, लाइक मैं अभी भी अपने आप को फोन प्लेयर ही मानता हूँ, क्योंकि मैंने 8-9 मिलियन फोन से ही किए। तो मेरे को पता चल चुका था कि यहाँ पे ऑडियंस को PC गेम देखने में ज्यादा मजा आता है, PC का गेम प्ले देखने में ज्यादा मजा आता है। तो मेरे रीजन ये थे गाइस इम्यूलेटर पे खेलने के। और देखो यार, इन सब चीज की वजह से दुख मेरे को बहुत हुआ, लाइक अंदर से टूटा हुआ फील हुआ। लाइक टॉप 1 करने ही वाला था, आपने देखा हो, करने ही वाला था। और ये एक मतलब दो महीने की जर्नी होती है, अभी सब मतलब गया, अब तो हो ही नहीं सकता मतलब टॉप 1, ठीक है। और इसकी वजह से देखो, मैं गेम तो नहीं छोड़ने वाला हूँ आईडी बैन और सस्पेंड की वजह से, लेकिन हाँ, अभी के लिए आप लोग मेरे को बताओगे अब आगे क्या किया जाए, अदर गेम्स, PC गेम्स, या कोई न्यू आईडी में रैंक पुश कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। और मेरे को आप लोगों से बहुत प्यार है, तो गेम तो मैं नहीं छोड़ूंगा, गेम मैं खेलता रहूंगा। तो भाई लोग, आप लोग भी चाहो तो भाई को कुछ कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो कि भाई को क्या करना चाहिए। तो भाई लोग, बढ़ते हमारे अच्छी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि राजस्टार के बारे में। तो भाई लोग, क्या राजस्टार भाई का गलती से फेस रिवील हो गया है? तो भाई लोग, वो ये कि ज्ञान भाई ने अपने इंस्टा पे एक रील अपलोड किया है, जिसमें शुरू में तो ज्ञान भाई और राजस्टार भाई की गेम के कैरेक्टर्स दिखाए गए, लेकिन उसी रील के लास्ट पार्ट में ये दिखाया गया कि एक बंदा ज्ञान भाई से मिलने आया था। और भाई लोग, इस रील में सिर्फ ज्ञान भाई और राजस्टार भाई थे, जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि असल में वही बंदा राजस्टार है। तो भाई लोग, आप लोग सबसे पहले तो वो रील देखिए। तो भाई लोग, आप लोगों को क्या लगता है कि असल में क्या यही बंदा राजस्टार भाई है? नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो भाई लोग, बढ़ता हमारे यहाँ अच्छी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि मैक्सा के बारे में। तो भाई लोग, मैक्सा भाई ने अपने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट करके बताया कि भाई ने NXT की लीव कर दिया है। और भाई लोग, इसके अलावा भाई ने ये भी बताया कि NXT की लीव करने का रीजन कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह नहीं है, वो सिर्फ अपने पर्सनल रीजन की वजह से NXT की लीव कर रहे हैं, जैसे कि राटलर भाई ने किया था। और भाई लोग, भाई ने ये भी बताया कि सभी NXT मेंबर्स उनके काफी अच्छे फ्रेंड है और आगे भी रहेंगे। और भाई लोग, किसी चीज को ऊपर क्लासी भाई ने भी लाइव में रिएक्ट किया था, तो आप लोग क्लिप को देख लीजिए। कर दिया है, क्योंकि उसको अपना चैनल का देखना था, तो वो अपनी गिल्ड बनाएगा, नए बंदे ऐड करेगा, उनके साथ खेला करेगा, वैसे टाइप से अब कंटेंट ट्राई करने वाला है मैक्सा। तो मैक्सा ने भी अपनी गिल्ड बनाने की सोच ली है, देखते भाई चल जाए तो अच्छा ही है। दी मैक्सा,
तो वह लोग बढ़ते हमारे अच्छे लास्ट न्यूज की तरफ जो कि अरिशोधन वाइटी के बारे में। तो वह लोग अरिशोधन वाइटी जब जेल में लाइव थे तब वहीं पे उन्होंने बताया कि भाई को वीवेज मिल चुका है, तो आप लोग क्लिप को देख लीजिए। मैं जस्ट, पता है मेरा एग्जाम था आज, ठीक है, तो मैं एग्जाम से जस्ट घर आ रहा था, ठीक है, जस्ट घर आ रहा था, रास्ते पे मैं बाइक में था, कॉल आया मुझे कि भाई अपडेट आया है आज, ठीक है, अपडेट के बाद गेम में आया और देखा कि तेरी आईडी में कुछ आ गया है, समझ रहे हो, और मैंने तुरंत फोन निकाला, अपडेट किया उधर ही, और फिर देखा मैंने कि कुछ सच में आ गया है, तो रहा नहीं जा रहा दोस्तों, दिखाई देता हूँ एक बार, ये मारा दिख रहा है क्या भाई, बे यार दिख रहा है क्या दोस्तों, दिख रहा है क्या स्ट्रीम पे गाइस, हेलो जिसको नहीं दिख रहा उसे भी देख लो भाई, तो अंधे को भी दिख जाएगा। तो भाई लोग आज मेरे पास इतनी न्यूज थी, और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय लोग, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।